है स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज हर्ब्स, हम सबसे पहले अलग अलग इसको समझने की कोशिश करते हैं. स्पिरिचुअलिटी इज एसोटेरिक वर्ल्ड. एसोटेरिक वर्ल्ड क्या होता है? इट इज अबाउट दैट जो चीज हमें हमारी आंखों में विजिबल नहीं है, वो शक्तियां विच इज बियॉन्ड अवर फिजिकल बॉडी. ठीक है, हम उन्हीं सब कैलकुलेशंस, उन्हीं सारी एनर्जीज की हेल्प लेते हैं. अब आप ये समझिए कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी, जो हमारी आईज है, इट हैज सर्टेन स्पेक्ट्रम जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, जिसके विदिन हम देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें विवग्योर दिखाई देता है. लेकिन बियॉन्ड दैट अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज क्या कुछ है या नहीं है? है ना, अल्ट्रा वायलेट भी है, इंफ्रारेड भी है और उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है. हमारी आईज सिर्फ एक, जो हमारी बॉडी की एक वेसल है, सिर्फ उतना ही देख सकते हैं. एक हिंदी में कहावत है कि कुएं का मेंढक. हमारा जो हम कौन सी कुएं के मेंढक है, हम इस कुएं के मेंढक है ना. इसकी कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड हम नहीं देख सकते ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं सच्चाई कुछ और ही है, कि बहुत कुछ है जो हम नहीं देख पा रहे. अब हमने हर कोर्स में ये पढ़ा कि पूरा पूरी पृथ्वी, हर चीज पांच तत्वों से बनी है. वी आर द इंटरैक्शंस एंड डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ फाइव एलिमेंट्स. उसके बियॉन्ड जो चीज एग्जिस्ट करती है, जो हमारी आंखों को नहीं दिखाई देती, वी आर मेड अप ऑफ दैट ऑल्सो. लेकिन हमने अपने परसेप्शन में क्या बैठा रखा है, बिकॉज हमारी फाइव सेंसेस होती हैं, वी इंटरैक्ट विद दोज फाइव सेंसेस. और थोड़ा सा बियॉन्ड हमने ले लिया सिक्स सेंस, हम उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं. दिस इज अवर रियलिटी. क्या हमने इस शेल से कभी बाहर जाकर देखा है? आज अगर हम अर्थ पे हैं एज अ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एक तरफ प्लांट लाइफ है, एक तरफ एक्वा लाइफ है, बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड्स हैं, बट वी आर इंटरैक्टिंग विद देम कंटिन्यूअसली. पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं, क्या हम उसको देख पाते हैं? नहीं देख पाते. लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है. वो ना हो तो हम ना हो. सबसे पहले तो हर्ब्स का यही आधार आ गया. दे आर डायरेक्टली कोरिलेटेड विद विच वी आर इंटरैक्टिंग एंड आर लाइफ इज एबल टू सस्टेन ऑन अर्थ. सबसे पहला ये, ठीक है, वो हमें एक ऐसी गैस देते हैं और हम भी उनको एक ऐसी गैस देते हैं जिनके आधार पे हम लोग एक दूसरे के एग्जिस्टेंस है.